खबर बिलासपुर से है, जहां अमृत मिशन की टेस्टिंग के दौरान निगम की लापरवाही सामने आई। पानी की पाइपलाइन जगह जगह से लीक हो रही है, बीच सड़क में फव्वारे की तरह पानी निकल रहा है और पानी की बर्बादी हो रही है। तमाम जगहों पर पानी की बर्बादी का जो ये मंजर है वो देखने को मिल रहा है और बीच सड़क पर देखिए कैसे फव्वारे की तरह पानी निकल रहा है और पानी की बर्बादी हो रही है। कहा जाता है जल ही जीवन है, लेकिन जब जल ही नहीं बचेगा तो जीवन कहां से। बिलासपुर में अरपा नदी किनारे रिवर व्यू फ्रंट बन रहा है, जिसको लेकर सवाल उठने लगे हैं। इंदिरा सेतु पुल पर जाम लग जाता है, जिसके चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लोगों का आरोप है कि मनमाने ढंग से बिना प्लानिंग के अधिकारी विकास के नाम पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जिसका खामियाजा शहर के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। विकास नाम पर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन लोगों को जाम की परेशानी से निजात नहीं मिल रहा है। योजना थी शहर के यातायात को व्यवस्थित करने की, पर हमारे अधिकारी और कर्मचारी अपना मनचाहा विकास करते हैं। जनता जैसी चाहती है वैसा विकास नहीं होता, उसी का परिणाम आपको दिखाई दे रहा है। वहाँ पर ऑलरेडी इतना यातायात रहता है, हमेशा पुल जाम रहता है, उसके बाद यदि आप वहाँ से उसको निकालेंगे सड़क को, नदी की सड़क को, तो निश्चित रूप से अवरोध उत्पन्न होगा और समस्याएँ लोगों को बढ़ेगी। जगतगुरु स्वामी आत्मानंद सरस्वती जी ने लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने की घोषणा पर खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान और हिंदुओं के लिए यह गर्व की बात है। धर्मांतरण के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि यह सरकार और समाज का मुद्दा है। अब घर वापसी में सिर्फ 10% काम ही बचा है। उन्होंने कहा कि पहले अयोध्या, काशी, विश्वनाथ, मथुरा ही मांगे थे, अब जहां जहां मंदिर की जगह पर मस्जिद या चर्च बने हैं वो सब लेंगे। हम लोग संदेश दे रहे, पर समाज को जागृत होना पड़ेगा। समाज के अंतिम और पिछड़े लोगों को हृदय से लगाना पड़ेगा। उनको लोभ के द्वारा धर्मांतरण कराया जा रहा है, उनके सहयोग के लिए हमें आगे आना पड़ेगा, तभी ये धर्मांतरण रुक पाएगा। केवल सरकार के सहारे से धर्मांतरण नहीं रुक सकता है, हमें आपको सबको जागृत होना पड़ेगा और समाज के अंतिम से अंतिम व्यक्ति तक पहुँचना पड़ेगा, तब धर्मांतरण रुक पाएगा। राजधानी रायपुर की सुंदरता बढ़ाने के लिए निगम और स्मार्ट सिटी की ओर से हर साल अलग अलग लोकेशन पर वॉल पेंटिंग करवाई जाती है। इसके बाद इन कृतियों को बचाए रखने के लिए कोई इंतजाम नहीं होते, इस वजह से पेंटिंग पर पैम्पलेट चिपका दिए जाते हैं, इससे ये पेंटिंग खराब होने लगती हैं। ये अव्यवस्था पूरे शहर में फैली हुई है। शहर को सुंदर बनाने की कोशिश पर पानी फेरने का काम ये पोस्टर्स कर रहे हैं। शहर को सुंदर बनाने के लिए नगर निगम और स्मार्ट सिटी के द्वारा हर साल करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं और दीवारों और पिलहरों में आकर्षक पेंटिंग्स जो है बनवाई जाती है, ताकि शहर की सुंदरता जो है वो कायम रहे। लेकिन कुछ अज्ञात लोगों के द्वारा बिना परमिशन के इन दीवारों पर एडवर्टाइज के पोस्टर्स और फिल्मी पोस्टर्स जो हैं वो चिपकाए जा रहे हैं। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये घड़ी चौक से गोल बाजार जाने की ओर की सड़क है, जहाँ पर स्काई वॉक के पिलहर पर फिल्मी पोस्टर्स जो हैं वो लगाए गए हैं, जिसके चलते इस पिलहर पे बनी पेंटिंग्स की खूबसूरती जो है पूरी तरह से गायब हो जा रही है और बिगड़ती नज़र आ रही है। और ये अव्यवस्था ना केवल यहाँ पर बल्कि शहर के पूरे शहर पे जो है फैली हुई है, और शहर को सुंदर बनाने के लिए किए गए तमाम तरह के जो प्रयास हैं उन पर अव्यवस्था का साया पसरा हुआ है। कैमरा पर्सन मनीष गीते के साथ तनु वर्मा, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़। कोंडा गांव में महिला एवं बाल विकास विभाग ने 120 दुल्हों के साथ बैंड बाजे के साथ बारात निकाली। जिला मुख्यालय के विकास नगर स्टेडियम में सामूहिक विवाह का आयोजन हुआ। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया है और इसके साथ ही यहां पर तमाम भारी संख्या में जो दुल्हे हैं वो पहुंचे थे बैंड बाजा के साथ और पूरी बारात लेकर। ये भी बता दें कि सामूहिक विवाह में 120 जोड़े शादी के बंधन में बंधे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक लता उसेंडी मौजूद रही। आप
उसके बाद श्रृंगार सामग्री में दर्पण बड़ा वाला और चलिए एक नजर टॉप 20 खबर।